तो दोस्तों आज हम बात करें ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है हमको पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी हमको स्टॉक में अगेन 2.18% की यहाँ पर अगेन यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अभी स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 1716 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 1818, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1975, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2125, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2247, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2441 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट आपस रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1637 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1561, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1464 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट आपस सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।